गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 230 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ यू नो दैट द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट बेंड और चेंज इट्स पाथ, बट व्हाट हैपन व्हेन द लाइट फॉल ऑन अ शाइनी और पॉलिश सरफेस। द रे ऑफ लाइट चेंज देयर डायरेक्शन और पाथ व्हेन दे फॉल ऑन अ शाइनी स्टील प्लेट और स्पून और मिरर। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ताजमहल इन वाटर। तो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ना तो वह बेंड होती है ना ही अपना पाथ चेंज करती है। लेकिन अगर लाइट एक पॉलिश एंड शाइनी सरफेस पे फॉल होती है, गिरती है, तो क्या होती है, वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक। मतलब अगर शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ रही है तो वो लाइट क्या हो जाएगी, उससे टकरा के वापस जाएगी। तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन है अगर शाइनी सरफेस पे कोई लाइट पड़ रही है तो बाउंस बैक हो जाएगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स ऑब्जर्व सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट इज बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑल्सो अ पॉलिश ब्लॉक ऑफ वुड रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन एन अनपॉलिश वन। इन अदर वर्ड, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बेटर बाई स्मूथ एंड पॉलिश सर्फेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इज इट पासिस। फॉर एग्जाम्पल, द स्टिल सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑयल, पॉलिश फर्नीचर, शाइनी मेटल सर्फेस एंड पॉलिश सर्फेस etc. are smooth and can turn back the ray of light in the same medium, thus acting as a mirror. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है तो उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट हमारी एक शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करके बाउंस बैक हो जाती है। अगर सरफेस शाइनी है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और सरफेस अगर रफ है तो रिफ्लेक्शन कम होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी है, जैसे वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ ऑयल, पॉलिश फर्नीचर, शाइनी मेटल सरफेस एंड पॉलिश सरफेस जो स्मूथ होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन मोर होता है, बिल्कुल वो ऐसे रिफ्लेक्शन कर देते हैं जैसे मिरर हो। मिरर के इसीलिए हमको वाटर पे अगर हम अपनी इमेज देखेंगे तो हमको अपनी इमेज दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि वो मिरर जैसे ही एक्ट करता है, लाइट जब उस पर पड़ती है तो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस में। अब मैं एक्टिविटी 14.3 देखते हैं। टू प्रूव दैट स्मूथ है शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर, ये प्रूफ करेंगे स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बेटर, मतलब स्मूथ एंड शाइनी सरफेस में ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए, ये देखिए हमने मिरर लिया, स्टील की प्लेट ली और पेपर लिया। अब हमने क्या किया, टॉर्च से इस पर लाइट फॉल की डाली, टॉर्च से जब हमने इस पर टॉर्च से लाइट डाली तो यहाँ पर देखिए हमको स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर डार्क पैचेस हमको रिफ्लेक्शन दिखेगा जब हमने मिरर पे लाइट डाली। उसके बाद हमने एक स्टील प्लेट पर टॉर्च से लाइट डाली तो भी हमको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है लाइट का, लेकिन जब हमने पेपर शीट पे लाइट डाली तो हमको स्क्रीन पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अब ऐसा क्यों, इसलिए कि जो मिरर और हमारे जो स्टील की प्लेट है इनकी सरफेस शाइनी थी और स्मूथ थी, तो इन्होंने लाइट को बाउंस बैक कर दिया और हमको यहाँ पर डार्क डार्क पैचेस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। बट जो हमारी पेपर की शीट थी वो रफ थी, रफ होने और पॉलिश्ड भी नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिटिल हुआ और हमको यहाँ पर कोई भी पैचेस स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिए। नेक्स्ट आया एक्टिविटी 14.4, टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर। अब हम ऑब्जर्व करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक प्लेन मिरर में। टेक अ टॉर्च एंड कवर इट्स ग्लास पोर्शन विथ अ चार्ट पेपर हैविंग थ्री स्टिल एज शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। पुट अ प्लेन मिरर वर्टिकली एंड
on a wooden board. Now switch on the torch and direct the beam of the light on the mirror through the strip at an angle. Put the torch in such a way that the reflected light is seen on the chart paper. You can do this activity in a dark room also to have better result. हम एक टॉर्च लेंगे एंड उसका जो ग्लास पोर्शन है उसको क्या करेंगे, चार्ट पेपर से कवर कर देंगे और उसमें हम तीन होल्स कर देंगे, सिल्ट टाइप की बना देंगे, लंबे लंबे, ये देखिए सिल्ट जैसे बना दिए, दिख रहे हैं हमको, ये ऐसे सिल्ट बना देंगे जिससे लाइट बने, मतलब सिल्ट मतलब होता है बीच में लंबी सी जगह, जैसे खिड़की पूरी ये कवर है, इसमें ये होल बना दिए लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग, इसको सिल्ट बोलते हैं। तो अब हमको कवर कर दिया और बाकी इसमें स्टिल्ट बना दिया जैसे हमको ये दिख रही है लंबे। उसके बाद हमने इसके सामने प्लेन मिरर रख दिया, ये देखिए वर्टिकली, ठीक है, ये पुट अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन अनदर चार्ट पेपर फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। और हमने एक वुडन बोर्ड पे एक चार्ट पेपर फिक्स कर दिया, उसके वुडन बोर्ड पे क्या कर दिया, चार्ट पेपर लगा दिया और एक उसके सामने टॉर्च के सामने हमने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया। उसके बाद हमने जैसे ही स्विच ऑन किया टॉर्च को तो मिरर पे लाइट पड़ी उसके सेल्फ से, देखिए सेल्फ से लाइट पड़ रही है। अब हमको देख रहे हैं जैसे ही टॉर्च के सिल्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके चार्ट पेपर पे हमको दिखेगी, तो वो चार्ट पेपर पे जो हमको लाइट दिखेगी वो हमको कैसे दिखेगी, जैसे हमारे सिल्ट पे पड़ी थी, हमको वहां पर जैसे डायरेक्शन हमको मिला था मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द सिल्ट इन द मिरर, हमको मिरर में भी देखिए सिल्ट दिखेगी, ये देखिए ये लाइट इसमें पड़ी और ये इसने बाउंस बैक कर दिया, ये लाइट पड़ी और ये बाउंस बैक हो गई हमारी लाइट, ये देखिए। तो हमको ऐसी ही सिर्फ सामने चार्ट पेपर पे दिखे, मिरर पे भी दिखेगी, क्योंकि हमने यहां पर सिल्ट किया और ये प्लेन मिरर ने क्या किया, बाउंस बैक कर दिया लाइट को, जब बाउंस बैक किया तो हमको चार्ट पेपर पे वैसे ही सिल्ट के पैचेस दिखेंगे। ये एक्टिविटी अगर हम डार्क रूम में करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। टॉर्च लिया, टॉर्च पे सिल्ट लगा बना दी, होल्स बना दिए, उसके सामने मिरर रख दिया और एक चार्ट पेपर भी वहां पर फिक्स कर दिया, एक वुडन बोर्ड पे चार्ट पेपर फिक्स कर दिया। उसके बाद जैसे ही टॉर्च ऑन किया स्लिट से लाइट जा रही थी तो मिरर पेपर जब पड़ी तो वैसे ही सिल्ट हमको क्या दिखेगी, चार्ट पेपर पे। The beam of light that hit the surface of the mirror get reflected. The part taken by the ray of light is shown in the ray diagram. The ray of light that fall on the surface of the plane mirror is called incident ray, and the one that is reflected on the surface of the mirror is called reflected ray. If you look carefully, you will find that there is a relationship between the angle at which the incident ray hit the mirror and the angle at the it is reflected off. The incident ray and reflected ray from equal angle with the plane of mirror, or we can say the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Before we produce further, let the first understand more about images and reflecting surface. अब हम इस पूरे को ray diagram में देखते हैं जो ऊपर activity थी। देखिए incident ray वो होती है जो object पे fall हुई, ये हमारी light बीम ऑफ लाइट, ये हमारे ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई, तो इंसिडेंट रे क्या हुई गई, क्या हुई, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है, इसके सरफेस पे रे ऑफ लाइट हमारी फॉल हुई, तो इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट हमारी फॉल हो रही। उसके बाद यहाँ पर फॉल होने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया, तो ये क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इन दोनों के बीच देखिए कुछ एंगल बन रहे हैं, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल
एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे हमेशा। तो लाइट कभी भी अगर एक प्लेन मिरर पर फॉल होती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई जो फॉल हुई हमारे प्लेन मिरर पे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई जो रिफ्लेक्ट हुई प्लेन मिरर से। इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कहते हैं नॉर्मल, और ये हमारी नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।